बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीर। सिक्स क्लास की तारीख के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्ध मत। हमने पहले पढ़ा हिंदू मत, अब हम बुद्ध मत पढ़ रहे हैं। बुद्ध मत भी एक क्या है, कदीम मज़हब है। बुद्ध मत किस तरह से वजूद में आया, इसका बानी कौन था। हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम की वजह से बहुत से माशरती मसाइल पैदा हो गए थे, क्योंकि उनमें तफरीक पैदा की गई थी। ब्राह्मण को सबसे ऊँची ज़ात और शूदर को सबसे घटिया ज़ात समझा जाता था। एक आम आदमी की जो ज़िंदगी थी वो अजाब बन गई। लोग ज़ात पात के निज़ाम से निजात हासिल करना चाहते थे। इन हालात में हिंदुस्तान में एक नए मज़हब बुद्ध मत ने जन्म लिया, जिसका बानी गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में कपिलस्तु में पैदा हुआ। इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। जब वो जवान हुआ तो उसने अपने इर्द गिर्द लोगों को गमजदा देखा। उसने ज़ात पात के निज़ाम को सख्त नापसंद किया और उसके जहन में इस निज़ाम को बदलने की सोच पैदा हो गई। उसने 29 साल की उम्र में शाही महल को छोड़ दिया और गया के जंगलों में चला गया। उसने बड़ी रियासत, यानी एक किस्म की कह लें कि बड़ी मुराकबा किया, गौर व फिक्र किया, लेकिन उसे सुकून ना मिल सका। आखिर एक रात उसे एक दरख्त के नीचे ज्ञान, यानी जिसे इल्मे मारफत हासिल हुआ। गौतम बुद्ध ने हिंदू माशरे में ज़ात पात के तसव्वुर को ख़त्म करने और मसावात का दर्स दिया। उसने दर्ज ज़ैल 8 असूल बयान किए। वो 8 असूल क्या थे कि सादा ज़िंदगी बसर की जाए, शराब जुआ और झूठ से बचा जाए, ब्राह्मणों की अजारदारी ख़त्म की जाए, यानी वो जो ब्राह्मण थे उनको जो इज्जत दी जाती थी इसको ख़त्म किया जाए, यानी कि तमाम इक्वल होने चाहिए, किसी को अछूत ना समझा जाए, यानी शूदर को घटिया ज़ात ना समझा जाए, इंसानियत को एहतराम दिया जाए, कत्ल व गारत ना की जाए, ज़ात पात को ख़त्म किया जाए, तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए। गौतम बुद्ध की तालीमात का गरीब और नीची ज़ात वाले लोगों पर गहरा असर हुआ। लोगों ने ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर बुद्ध मत कबूल करना शुरू कर दिया, जो भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, चीन और जापान तक फैल गया। तो ये था बुद्ध मत जो आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो जैन मत हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।